और मेरे बड़े अब्बा सभा में भी रहे हैं। एक बार ऐसा भी हुआ है कि तीन भाई तीन पार्टियों में रहे, एक साथ कैसे हो सकते हैं? तीन भाई तीन अलग अलग पार्टियों में। ओपी राजभर जी कह रहे हैं कि वो हमारे विधायक नहीं है बल्कि वो सपा के विधायक है। हाँ, क्या कह रहे हैं? ओपी राजभर जी कह रहे हैं कि हमारे विधायक नहीं है अब्बास जी, वो सपा के विधायक। ये तो आप लोगों की बात में कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी दिनकर भाई कह रहे हैं कि वो सुभाषपा के विधायक है, आप कह रहे हैं वो सभा के विधायक है। पहले आप लोग तय कर लो कि वो सुभाषपा के विधायक है कि सभा के विधायक। आप राजभर जी के बारे में क्या कह रहे हैं? आप राजभर, वो तो मुख्तार अंसारी का दोस्त बताते हैं खुद को। नहीं, वो दोस्त थे हैं और मेरे ख्याल से वो रिश्ता वो निभाएंगे हम लोगों से, और मेरे बड़े हैं, आदरणीय हैं। आप लोग रिश्ता निभाएंगे कि नहीं? आप भी उनके बेटे को विधायक बनाएंगे? आपके भाई को विधायक बनाए वो सांसद, उनके बेटे प्रकाश राजभर के बेटे को सांसद आप लोग बनाएंगे कि नहीं? हम यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय जी के हक में वोट मांगने आए थे, और कल भी आते, माननीय धर्मेंद्र यादव जी का कल फ़ोन आया था, लेकिन कल सारे कार्यक्रम लगे हुए थे, तो धर्मेंद्र भैया से हमने क्षमा मांगी और कहा कि नहीं, हम कल आएंगे। रिश्ते निभाएंगे नहीं आप? हाँ, प्रकाश राजभर से रिश्ते निभाएंगे नहीं? यार, राजनीति में रिश्ते निभाए जाते हैं, समय समय पर सब निभाया जाता है, सब निभाया जाएगा। और जहाँ तक बात रही ओम प्रकाश चाचा की, तो वो मेरे बड़े हैं, आदरणीय, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मऊ के मुसलमान किधर जा रहे हैं? मऊ का बुनकर, मऊ का गरीब, मऊ का किसान, मऊ का मजदूर, एक नाम से ही लगता है मोदी जी वाली बीमारी आपको भी लग गई। मुसलमान, मछली, मुजरा, मीट, ए धक्का नहीं दो भैया, ये सारे लोग जो हैं, ये सारा माँ माँ करके आप लोग जो हैं, ये भाषा गलत है। सारा किसान, सारा गरीब, सारा मजदूर सब एक साथ है, और इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए लगा हुआ है ये चुनाव, जनता बनाम भारतीय जनता। जिनकी आप इज्जत करने की बात कर रहे हैं प्रकाश राजभर जी को, जिनकी आप इज्जत करने की बात कर रहे हैं प्रकाश राजभर जी को, वो लगातार कह रहे हैं कि मुस्लिमों की मजबूरी है छड़ी को वोट देना। मुस्लिमों की मजबूरी है छड़ी को वोट देना, इसको कौन कहता है? ओम प्रकाश जी, 4 जून को पता चल जाएगा। उन्होंने एक एक ये भी याद दिलाया था, पिछली बार भी आपने छड़ी को वोट दिया था, गाजीपुर में भी हमारा तो ईमान है यार कि जो पैदा होगा वो मरेगा, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। इसका ईमान ये नहीं है जो समझता है कि हम अमर हैं तो वो सर्टिफिकेट लेके ऊपर से आए होंगे, हम लोग तो मरेंगे और सब मरेंगे। उमर अंसारी, आप भी मरोगे, हम भी मरेंगे और दफन होंगे, अब मानो चाहे मत मानो, और कोई फिक्स नहीं है कब मर जाए, बोलते बोलते मर जाए, शाम में मर जाए, कल मर जाए। उन्होंने इंडिया गठबंधन और विपक्ष को कहा है कि माफियाओं का क्षेत्र बना दिया था, और अब जो है माफिया के लिए आंसू बहाने वालों को जो है पूर्वांचल में कदम नहीं रखना। 4 जून को पता चल जाएगा पूर्वांचल में सफाई होने जा रहा है। लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, घोसी और बहुत सी सीटों पे आप ऐसा रिजल्ट देखेंगे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। जबान में हड्डी होती नहीं, कोई कुछ कहे। हमारे इतिहास से, हमारे परिवार के गौरवशाली इतिहास से, 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिखाओ कोई पूर्वांचल में आप परिवार, ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार से जिन्हें चिढ़ है, जो नफरत करते हैं, जिनका खुद का कोई इतिहास नहीं है, एक छोटी उंगली का नाखून तोड़ाने का भी 7 पीढ़ी में इतिहास नहीं है, वो हमको माफिया और गुंडा बताते हैं, तो उनके कहे हुए पर और गोदी मीडिया के चलाने पर हम क्या जवाब दें? जनता सब जाएंगे। देखिए, मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मुझे लगता है कि मऊ का हर घर और हर घर से एक एक फर्द हमारे दरवाजे पर पहुंच गया और आ गया। मुलाकात तो हमारी सबसे हो गई, उसके बाद हमने कहीं जाने का फैसला नहीं किया था। 40वें तक हम घर पे ही थे, और 40वें के 2 दिन बाद से हमने पर्चे दाखिले के बाद से चुनाव का प्रचार शुरू कर दिया, और अभी तक प्रचार कर रहे हैं। थोड़ा सा फ्री हो जाए, राहत मिली है, गैंगस्टर एक्ट का उनका रद्द हो गया, न्यायपालिका को बधाई, इंसाफ हुआ है, सत्यमेव जयते। कब तक बाहर आने के आसार हैं? एक मुकदमा उनका ईडी का बचा हुआ है जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में, 3 जुलाई तक तो सुप्रीम कोर्ट बंद है, छुट्टी आप सबसे मिल जाए, तो अब जुलाई के बाद उनको पेरोल दी गई है, वो 10 जून को घर आ रहे हैं।
अच्छा अच्छा, घोसी की सीट पे उमर अंसारी का भी नाम आया था कि उमर अंसारी था यार, था तो क्या नहीं टिकट मिला? आप ही लोग लाए थे और कौन लाए? कोई नाराजगी?